हाय एवरीवन, आई होप यू गाइज आर डूइंग रियली वेल. सबसे पहले थैंक यू सो मच ईच एंड एवरी वन फॉर योर गुड विशेज. जब मैंने आप लोगों के साथ अपना रिजल्ट शेयर किया तो आप लोगों ने भर भर के कॉन्ग्रेचुलेशंस दिए, अपनी बेस्ट विशेज दी. तो उसके लिए थैंक यू सो मच कि आप लोग भी मेरे लिए इतने खुश हैं. एंड लाइक मैं चाह रही थी कि मैं हर किसी को पर्सनली मैं रिप्लाई करूँ, लेकिन स्टिल वो पॉसिबल नहीं हो पाया कि मैं 200-300 कॉमेंट्स के मैं रिप्लाई दे सकूँ. तो इसीलिए जिनकी रिप्लाई नहीं कर पाई हूँ मैं, तो उन सभी को थैंक यू सो मच. एंड आप लोगों में से भी जिन लोगों ने क्वालिफाई कर लिया है अपना UGC नेट एग्जाम, उन लोगों को भी वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन. सो एज पर योर रिक्वेस्ट आई एम मेकिंग दिस वीडियो बिकॉज यू गाइज वॉन्टेड टू नो दैट हाउ आई क्रैक माई UGC नेट एग्जाम, व्हाट्स माई स्ट्रेटजी, माई बुक लिस्ट, अबाउट सम टिप्स एंड ट्रिक्स विच आई फॉलोड थ्रू आउट माई जर्नी, सो दैट यू गाइज कैन ऑल्सो क्रैक योर एग्जाम इन योर वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट. सो लेट्स get started. So what's my strategy? मैंने कैसे planning की थी? तो मैंने plan ऐसा बनाया था कि I have to within 4 months I have to complete my whole syllabus, paper 1 and paper 2 दोनों का ही, and 1 month I have to give फॉर रिविजन. तो मैंने जनवरी, फेबररी, मार्च, अप्रैल, ये 4 month मैंने अच्छे से अपना पेपर 1, पेपर 2 दोनों का ही सिलेबस कम्प्लीट किया था. एंड इन मे में मेरा मतलब ऐसा नहीं हो पाया था कि पूरा टोटल सिलेबस तो नहीं हो पाया था, लेकिन हाँ इनफ सिलेबस मेरा कम्प्लीट हो गया था. एंड मे से ही मैंने अपनी रिविजन करना स्टार्ट कर दी थी और साथ के साथ मैं एक्स्ट्रा न्यू थिंग्स भी पढ़ रही थी. तो ऐसा किया था. एंड जून में हमारा एग्ज़ाम था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एग्ज़ाम जो था वो कैंसिल हो गया था. उसके बाद री एग्ज़ाम हुआ. एंड री एग्ज़ाम के टाइम पर सच बताऊँ तो मैंने कुछ भी न्यू नहीं पढ़ा था, सिर्फ और सिर्फ जितना पढ़ा था मैंने उसी को ही रिविजन किया था, उसी को ही ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करने की कोशिश की थी. दैट्स इट. टॉकिंग अबाउट द सिलेबस, कि मैंने अपना सिलेबस कैसे कम्प्लीट किया, तो सबसे पहले तो मैंने पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों के ही सबसे डिफ़िकल्ट पोर्शंस को मैंने उठाया. फॉर एग्जाम्पल पेपर 1 के मैंने सबसे पहले लॉजिकल रीजनिंग, इंडियन लॉजिक्स, एंड देन वी हैव रिसर्च एप्टीट्यूड, टीचिंग एप्टीट्यूड, जो थोड़े से यू नो लेंथी पार्ट हैं, जिनको पढ़ने में समझने में थोड़े अंडरस्टैंडिंग पोर्शंस हैं, जिनको टाइम टेकिंग जो जितने भी यूनिट्स हैं ना, मैंने उन यूनिट्स को मैंने प्रिपेयर किया था सबसे पहले. देन उसके बाद पेपर 2 की अगर मैं बात करूँ तो पेपर 2 में सबसे पहले आई प्रिपेयर फॉर लिटरेरी क्रिटिसिज्म, लिटरेरी थ्योरी, देन आई प्रिपेयर ब्रिटिश लिटरेचर, एंड एंड में आकर मैंने वर्ल्ड लिटरेचर, ऑस्ट्रेलियन लिटरेचर, अफ्रीकन लिटरेचर, ये सारी की सारी अदर लिटरेचर्स जो थी वो मैंने प्रिपेयर किए थे. उससे पहले ही मैं सारी की सारी जो बड़े मेजर पोर्शंस थे, मेजर मेजर यूनिट्स थे, उन सबको मैं ऑलरेडी पहले जब मेरे पास इनफ टाइम था तब मैंने अच्छे से उनको प्रिपेयर कर लिए थे. क्योंकि उस टाइम पर देखो कोई टेंशन नहीं होती है, स्टार्टिंग में ही अगर आप बड़े लेंदी पोर्शन कंप्लीट करते हो ना तो कोई टेंशन नहीं होती, आप अच्छे से काम माइंड से आप अपनी पढ़ाई करते हो. तो इसीलिए मैंने जो मेजर मेजर पोर्शंस थे, बिग यूनिट्स जितनी भी थी पेपर 1 और पेपर 2 की, उन सबको मैंने पहले ही प्रिपेयर किया था. सो माय सेकंड स्ट्रेटजी इज लिमिटेड रिसोर्सेज एंड मल्टीपल रिवीजन. तो जितना ज्यादा आप लिमिटेड यूट्यूब चैनल्स, बुक्स रखेंगे, उतना जल्दी आपका सबसे पहले तो सिलेबस कंप्लीट होगा, एंड उतना ना आपके माइंड में मैसअप क्रिएट नहीं होगा जब आप लिमिटेड रिसोर्सेज से आप अपनी स्टडी करेंगे. नाउ लेट मी शो यू माय बुक लिस्ट जो कि मैंने यूज़ की थी थ्रू आउट माय प्रिपरेशन. तो मैंने सिर्फ और सिर्फ बहुत सारी बुक्स नहीं, मैंने सिर्फ और सिर्फ इन 4 बुक्स से ही मैंने अपनी पूरी प्रिपरेशन की है, एंड जिसमें पेपर 2 की 2 बुक हैं एंड पेपर 1 की 2 बुक हैं. एंड सबसे पहली बुक जो है मेरे पास वो पेपर 1 की सॉल्व PYQs की बुक है, एंड दिस इज़ बाय ओसवाल. एंड जैसे कि मैं ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ अपने वीडियोस में कि मैं पहले KVS मदान की बुक यूज़ करी थी, लेकिन उससे मुझे इतनी हेल्प नहीं मिल रही थी तो आई स्विच टू अनदर बुक. तो ओसवाल की बुक्स को मैंने प्रेफर किया. एंड इस बुक के अंदर सबसे पहले तो PYQs के सेक्शन मिल जाएंगे, एंड उसके बाद डिटेल वे में यूनिट वाइज एक्सप्लेनेशन मिल जाएंगे. तो जिसकी वजह से यू डोंट हैव टू रिलाई ऑन अदर रिसोर्सेज, लाइक यूट्यूब पर जाकर आपको सर्च करने की ज़रूरत नहीं है किसी भी टॉपिक को, और
गूगल पे विकिपीडिया पे सर्च करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली जस्ट ओपन द बुक एंड ग्रैब द नॉलेज। सबसे पहली बुक हो गई मेरे पास ओसवाल की PYQ सॉल्व PYQs की बुक, एंड सेकेंड बुक मेरे पास थी मॉक टेस्ट की बुक। अब मॉक टेस्ट की बुक ने मुझे कैसे हेल्प की, सबसे पहले तो मॉक टेस्ट से ये हेल्प होती है कि आप जितना ज़्यादा PYQs करेंगे उतना ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी, प्रिपरेशन में हेल्प होगी, उतना ज़्यादा ना आप क्वेश्चंस को समझ पाएंगे और एग्ज़ाम में आप फटाक से क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो इसलिए मॉक टेस्ट, मुझे लगता है कि मॉक टेस्ट की बुक तो आपको ज़रूर ज़रूर परचेज़ करनी चाहिए। एंड इफ़ यू वॉन्ट टू बाय दिस बुक तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, तो आप वहाँ से जाके इन बुक्स को परचेज़ कर सकते हैं। एंड इफ़ यू गाइज वॉन्ट टू नो मोर अबाउट दिस बुक, मॉक टेस्ट की बुक के अंदर आपको क्या चीज़ें मिलेंगी, एंड सॉल्व PYQs की बुक के अंदर आपको कैसी कैसी क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, क्या कंटेंट मिलता है इसके अंदर, तो मैंने उसके लिए ऑलरेडी वीडियो बना रखी है अपने चैनल पर, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तो आप सिंपली जाकर उस वीडियो को चेक कर सकते हैं। तो ये तो हो गई पेपर वन बुक की बात। इसके अलावा पेपर टू की बुक के लिए सबसे पहले तो मैंने पियर्सन की बुक यूज़ की थी। तो पियर्सन की बुक के अंदर सिंपली आप कोई सी भी गाइड बुक चूज़ कर सकते हैं इंग्लिश की, एंड बहुत सारे ऐसे मेरे पास कॉमेंट आते हैं कि क्या इंग्लिश की PYQs की बुक अवेलेबल है, तो आई थिंक कि मैंने तो कोई इंग्लिश की PYQs की बुक नहीं परचेज़ की, मैंने सिंपली एक गाइड बुक परचेज़ की थी इंग्लिश की, और यहीं से ही मैंने अपनी सारी की सारी सब कुछ मैंने इस एक बुक से कंप्लीट किया था, दैट्स इट। और जिसकी वजह से सच में मेरा सिलेबस भी जल्दी से कंप्लीट हो गया था, और मैंने मल्टीपल टाइम इसी बुक से रिविजन की थी। इसके अलावा फोर्थ बुक है मेरे पास ऑब्जेक्टिव जर्नल इंग्लिश की बुक। अब इस बुक के अंदर टोटली ग्रामर है, और पेपर टू इंग्लिश के अंदर ग्रामर से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो वो सारे के सारे क्वेश्चंस का आप आंसर दे सकते हैं इफ़ यू हैव दिस। तो ये फोर बुक्स हैं जो कि मैंने यूज़ की थी थ्रू आउट माई प्रिपरेशन, दैट्स इट। उसके अलावा कुछ भी मैंने अदर रिसोर्सेज नहीं यूज़ किए थे। नाउ लेट मी टेल यू सम यूट्यूब चैनल्स विच हेल्प मी अ लॉट थ्रू आउट माई प्रिपरेशन। सो सबसे पहले तो जैसे कि यू गाइज नो कि मेरी मैथ्स और DI इतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, तो मैथ्स और DI के लिए मैंने सिंपली नवनीत सर की, जो नवनीत सर को रेफ़र किया था, एंड मुझे लगता है कि शायद नवनीत सर की वजह से ही आई क्रैक माई एग्ज़ाम, क्योंकि अगर मेरा DI और मैथ्स वाला अगर पोर्शन छूट जाता, पेपर वन के अंदर कम मार्क्स आते, तो शायद मेरा ये क्लियर नहीं हो पाता। तो व्हाट यू हैव टू डू, जस्ट सर्च ऑन यूट्यूब नवनीत सर वायरल मैथ्स, और उनकी जाकर आपको प्लेलिस्ट देखनी है। उनकी प्लेलिस्ट के अंदर सारी सब कुछ बहुत ट्रिक्स से उन्होंने एक्सप्लेन किया है, सिंपल वे में एक्सप्लेन किया है, हर छोटे से छोटे चीज को एक्सप्लेन किया है उन्होंने। तो आप जाकर उनकी वो प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, नवनीत सर वायरल मैथ। तो पेपर वन में नेक्स्ट मैंने रजत सर को फॉलो किया था, तो रजत सर की मैं ICT मैथ्स लॉजिकल रीजनिंग ये सारी की सारी मैंने फ्री वीडियोस देखी थी यूट्यूब पर, जो कि फ्री में अवेलेबल है, तो यहां से मैं फ्री वीडियोस देखा करती थी उनकी। एंड इसके अलावा हायर एजुकेशन पीपल एंड एनवायरमेंट, इसके लिए मैंने तोशिबा मैम को फॉलो किया था, एंड द वे शी एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग दैट रियली इम्पैक्टफुल, और उसे आपको सिंपली ना याद हो जाएगा, आपको अलग से याद करने की कुछ ज़रूरत नहीं है, वो इस तरीके से एक्सप्लेन करती हैं। तो ये तीन टीचर्स हैं जिन्होंने मेरी हेल्प की थी थ्रू आउट माई प्रिपरेशन। नाउ फोर्थ चैनल और फोर्थ टीचर जिनकी वीडियोस देखकर ना मैंने सारे के सारे PYQs किए, सारे के सारे रिवीजन की थी, तो वो था इनकलकेट लर्निंग। तो इनकलकेट लर्निंग एक ऐसा यूट्यूब चैनल है जहां पर आपको फ्री में सारे के सारे पेपर वन की वीडियोस मिल जाएंगी, प्लस में वहाँ पर PYQs भी मिल जाएंगे। तो अब क्योंकि मैं ऑलरेडी अपनी प्रिपरेशन में कर चुकी थी, मेरा सिलेबस कंप्लीट हो चुका था, तो उसके बाद आई गेट टू नो अबाउट इनकलकेट लर्निंग। तो उसके बाद ना मैंने वहाँ से अपने सारे के सारे PYQs किए थे, रिवीजन की थी। नाउ टॉकिंग अबाउट सम यूट्यूब चैनल्स विच आई रेफर फॉर पेपर टू, तो फर्स्टली आई फॉलो दाना मल्टीटास्कर फॉर लिटरेरी क्रिटिसिज्म एंड लिटरेरी थ्योरी, एंड उनकी वीडियोज़ मैं अपने ग्रेजुएशन टाइम से ही देखती हुई आ रही हूँ, उनकी वीडियोज़ काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रही है मेरे लिए। सेकेंड थिंग, मैंने लिमिटलेस लिटरेचर की जो वेबसाइट है उसको मैंने यूज़ किया था जस्ट टू कम्प्लीट माई रिविजन और PYQs को पढ़ने के लिए, मैंने उनकी लिमिटलेस लिटरेचर की वेबसाइट को मैंने यूज़ किया था। नाउ थर्ड थिंग, आप अर्पिता करवा की वेबसाइट पर जा सकते हैं, उनके सिलेबस को चेक कर सकते हैं, एंड इसके अलावा अर्पिता करवा के जो YouTube चैनल है वहाँ पर भी काफ़ी अच्छे से उन्होंने एक्सप्लेन कर करके चीज़ें ऑलरेडी बता रखी हैं, तो आप वहाँ से जाकर आप कुछ
टॉपिक्स को कंप्लीट कर सकते हैं। एंड लाइक फॉर ब्रिटिश लिटरेचर, वर्ल्ड लिटरेचर, इसके लिए भी बहुत बड़े बड़े यूट्यूब चैनल्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग, आप अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग उन यूट्यूब चैनल्स को फॉलो कर सकते हैं। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट कि आपको ये एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए यू डोंट हैव टू पे एनी थिंग टू एनी वन, एनी टीचर, कोई भी पेड कोर्सेज परचेज करने की ज़रूरत नहीं है। आप सेल्फ स्टडी करके, सेल्फ स्टडी से और स्मार्ट स्ट्रेटेजी से आप इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट माई स्ट्रेटेजी, बुक लिस्ट, यूट्यूब चैनल्स विच आई फॉलो फॉर माई प्रिपरेशन। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू द टू सिंपल टिप्स विच यू शुड हैव टू फॉलो इफ यू वॉन्ट टू क्रैक दिस एग्ज़ाम। टिप नंबर वन, स्टे कंसिस्टेंट। आपके पास बहुत थ्रू आउट योर प्रिपरेशन बहुत बार ऐसा होगा कि अरे यार टाइम नहीं है, आज तो संडे है, चलो आज घूम लेते हैं, चलो आज हम नहीं पढ़ते, कल से पढ़ेंगे। मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, मेरे घर वाले, मेरे रिश्तेदार वाले ऐसे बोलते थे कि यार तू तो पढ़ती रहती है, तू तो हमेशा पढ़ती रहती है, तो यार भूल जाओ, चार पाँच महीने के लिए सबको भूल जाना है आप लोगों को, सिर्फ और सिर्फ अपनी प्रिपरेशन के ऊपर ध्यान दो। क्योंकि अगर एग्ज़ाम क्रैक नहीं होगा ना, तो वही रिश्तेदार वाले आपको बोलेंगे कि यार तू तो हमेशा पढ़ती रहती थी, अब क्या हुआ, पास क्यों नहीं कर पाई तू एग्ज़ाम। तो इट्स बेटर कि आप अपना फ्यूचर आपके हाथ में है, आपको कंसिस्टेंसी आपको मेंटेन करके रखनी पड़ेगी अगर आप इस एग्जाम को क्लियर करना चाहते हो तो। सेकंड टिप इज़ स्टे मोटिवेटेड। बहुत बार ऐसा होगा कि आपको डीमोटिवेशन सा फील होगा, मेरे को भी ऐसा होता था, डीमोटिवेशन सा फील होता था, रोना आता था, कई बार सेल्फ डाउट होता था कि क्या मैं इस एग्जाम को क्लियर कर पाऊंगी या नहीं क्लियर कर पाऊंगी, बट आपको मोटिवेटेड रहना है, कुछ भी करके आप मोटिवेटेड रहिए। मैं पर्सनली, मैं गाने सुना करती थी और मैं पूजा करना स्टार्ट कर दिया था मैंने, तो उससे मुझे शांति मिलती थी, मैं मोटिवेटेड रहती थी उससे। तो सो आई होप दिस वीडियो हेल्प्स यू एंड आई होप यू अ वेरी ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम एंड विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। बट इफ़ यू स्टिल हैव एनी डाउट रिलेटेड टू एनीथिंग, यू कैन कॉमेंट डाउन बिलो एंड बाई।